अखिलेश यादव की ओर से कहा है कि फीता या लखनऊ से दिल्ली से कैंची आई, सपा सरकार के कामकाज का श्रेय लेने के लिए मची हुई है खिचम खिचाई। क्या है इस पर जवाब आपका? नहीं चित्रा जी, इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने वक्तव्य में रखा है। मुझे लगता है बेतुकी बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए चित्रा जी, ऐसा तो नहीं था कि ये सड़क बनी हुई थी, अखिलेश जी ने अपने सड़क का काम पूरा कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जेब में छुपा के रखा था, आज निकाला है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से जून 2018 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया था और किस प्रकार से एक छोटे से कालावधि में 2018 से लेकर 21 के अंदर ये काम पूरा हुआ है और आज प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वागत किया है। मैं मूलतः पूर्वांचल एक्सप्रेस के ABCDE जो बेनिफिट्स हैं, जो इससे लाभ पहुँचने वाला है, ये ABCDE बताने वाला हूँ। ए फॉर एग्रीकल्चर अर्थात किसानी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानी को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है क्योंकि जो किसान के उत्पादन हैं, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने गंतव्य स्थान तक अब आधे से कम समय में पहुंच सकते हैं, दिल्ली तक, लखनऊ तक। तो ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर बैलेंस। उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, एक बहुत वृहद प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से एक संतुलन बनाना, पूर्वांचल का, पश्चिमांचल का, इनका एक संतुलन होना बहुत आवश्यक था। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस ये बैलेंस बनाएगा। सी फॉर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आप देखिए, 9 जिलों को और लिंक के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश को दिल्ली के साथ कनेक्ट करने का काम ये करेगा। डी फॉर डेवलपमेंट, आप देखिए विकास उन्मुक्त कार्यक्रम होगा, विकास युक्त कार्यक्रम होगा। विकास के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा सड़क के बगल में और स्किलिंग कॉरिडोर बनेगा जिससे कि बहुत सारे लोग विकास से छुए जाएंगे। और अंत में ई से एम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, स्किलिंग कॉरिडोर बनेगा तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री भी जमकर बरसे परिवारवाद पर, राज्यपाल कश्यप जी की परिवारवाद को ही, परिवार को फलने फुलाने में पार्टियां लगी रहती थी। दिल्ली में भी वही हाल था, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल था, लोगों का ख्याल किसी को नहीं था। जवाब दीजिए, वो अपनी ABCDE सब गिना रहे हैं और पीएम ने यहाँ तक कह दिया है कि दरअसल कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा है योगी जी की इतनी बड़ी सफलता, इसी वजह से वो लोग उछल उछल कर अपनी बात कह रहे हैं। इसका टेंडर हो गया था और उसी तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे तो चालू कर दिया था, साथ ही साथ में इन्होंने तो मेट्रो भी जो लखनऊ में बनी है शिलान्यास हो गई थी, उसका उद्घाटन हो गया था, फिर उसका उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, इनका काम है। इनके पास विकास दिखाने का कुछ है नहीं। जितने माननीय अखिलेश यादव जी के विकास है उनको अपना विकास गिना रहे हैं। एक अस्पताल बता दें, एक सड़क बता दें जिसका शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, एक सड़क नहीं बता सकते। अखिलेश जी के न्यास ने 2 न्यास किया है, शिलान्यास और सत्यानाश। आप मुझे एक काम बताइए जिसको कि उन्होंने आरंभ किया है और कंक्लूजन तक पहुंचाया है। ये तो कांग्रेस वाले कहते थे राफेल 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 पे हम बहुत चर्चा किए हैं, बहुत बात किए हैं, दिन रात हम सोते नहीं थे, खाली बात करते थे राफेल कैसे आएगा, राफेल कैसे आएगा। बात करने से राफेल आ गया, 10 वर्षों तक राफेल नहीं आ पाया। शिलान्यास दिसंबर 2016 में कर दिया, 1 इंच सड़क बन गया हो तो फोटो दिखा दीजिए, 1 इंच सड़क बना होगा तो, 1 इंच भी सड़क नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जून 2018 को शिलान्यास किया और उसके बाद किस प्रकार से रिकॉर्ड 19 महीने के अंदर ये सड़क बन के तैयार हुई है, ये आपके सामने है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई फोटो है आपका कि 2016 से 17 के बीच में सड़क बन गई हो तो आप दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। वो कागज में मैं अभी सोचूंगा कि चांद में जाके हम लोग आज से 4 साल बाद घर बनाएंगे और मैं यहाँ पर फीता काट दूंगा। ये फीता काटने से होगा सब कुछ, ये फीता काटने की राजनीति, इसी को सेफई समाजवाद कहते थे। आज 4.5 साल हो गया संबित जी, किसानों का, गन्ना किसानों का 17,000 करोड़ रुपया बकाया है, आज तक नहीं दे पाए, पहली बात ये जान जाइए। और रही बात 50 किलो का जो यूरिया का कट्टा था उसको 45 किलो कर दिया और दाम बढ़ा दिया, ये विकास है। अब चित्रा जी बी फॉर बनारस पे आते हैं, जहां से नरेंद्र मोदी जी चुन करके जाते हैं, क्या कहा था, ना मुझे किसी ने बुलाया, ना मैं आया हूं तो मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा के लिए मैं सब यूज कर रहा हूं। ऐसा कपूत नहीं देखा किसी ने कि जो माँ गंगा वेंटिलेटर पे पड़ी थी उस माँ गंगा के सीने में चीर करके नहर बनाई जा रही थी और 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तमाम गंगाविदों ने कहा कि ये क्यों किया जा रहा है, इस गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं मिला, ये बी फॉर बनारस था। और उस पौराणिक शहर के जिस अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रही है, 150 से ज्यादा मंदिरों और मूर्तियों को गिरा दिया गया। आज भी लंका थाने में
शिवलिंग नाले में पाए गए थे, मुकदमा दर्ज है, अपहरण से लेकर बलात्कार से लेकर हत्या तक उसमें पीछे नहीं है। तो कहां तक एनएचआरसी के मामले बताइए, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग मारे गए, तो आज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पीठ किसने थपथपाई जा रही है इसमें, जिसमें नंबर वन हुए हैं जो 9 जिले हैं लखनऊ से गाजीपुर तक, पहले 9 के 9 जिलों में जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, तो सारे डीएम जमीन का अधिग्रहण करेंगे, फिर वो यूपीडा को देंगे, और उसके बाद जब 90% जमीन का अधिग्रहण हो जाता है तब आप टेंडर इशू कर सकते हैं, जो नए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिर टेंडर पार्टनर आता है, फिर एक एक पैकेज में बांटा जाता है उसको, हर पैकेज बनने के बाद इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स पे उसकी जांच होती है, तब पेमेंट होती है। अगर ये सारा काम अखिलेश यादव कर चुके होते हैं आपको लगता है, तो क्या वो खुद जब अखिलेश यादव खुद अपनी गाड़ी लेके 2021 में उसमें पहली बार चलते हैं और कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जनता को आपने क्या निरा बेवकूफ समझ रखा है क्या? मतलब आपने 2016 सितंबर में आके 300 प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिए, आपके मन में जो भी आया डिक्लेयर कर दिया, अब उससे मिलता जुलता कोई भी नाम होगा मेरा प्रोजेक्ट है, ये कैसा तरीका है? देखो बताइए ना, ये प्रोजेक्ट की आप टेंडर देख लीजिए, कब टेंडर हुए, कब ये इश्यू हुए, कब इसकी पेमेंट हुई, ठीक है, अब आप कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें जनता मेरे ख्याल से बेवकूफ नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है।